वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो में। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट थोड़ा टिपिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट सभी को बहुत आसान लगते हैं और जल्दी आसानी से आ जाते हैं। बेसिकली इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि बिकॉज इट्स ऑपरेट ऑन सिंगल ऑपरेंड। ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं और यूज करे जाते हैं, या सिंगल वेरिएबल पे भी कह सकते हैं आप। चलते हैं, इसकी डेफिनेशन तो आपने देख ही ली होगी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इंक्रीमेंट बाय वन करता है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है? डिक्रीमेंट बाय वन। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्री इंक्रीमेंट और एक पोस्ट इंक्रीमेंट। इसके दो वेरियंट है आप कह सकते हैं। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो इंक्रीमेंट में भी एक आपका आता है प्री इंक्रीमेंट, एक आता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसी सेम इज द प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, प्री इंक्रीमेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब हमारा जो ऑपरेटर होता है, यानी कि प्लस प्लस की अगर हम बात कर रहे हैं, जब ऑपरेंड से पहले लगता है तो दैट्स द प्री इंक्रीमेंट। जब ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद लगता है तो दैट्स द पोस्ट इंक्रीमेंट। सही है ना? अगर हम इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट को क्लासिफाइड करें तो पहले ऑपरेटर लग जाना, पोस्ट का मतलब बाद में लग जाना। यानी ए के, जब ए के बाद ऑपरेटर आ रहा है तो पोस्ट इंक्रीमेंट, और ए से पहले आ जा रहा है प्री इंक्रीमेंट। तो दो वेरिएंट होते हैं। तो कैसे कैसे ये वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कैसे ये रिजल्ट्स को शो कर पाते हैं? तो देखिएगा, प्री इंक्रीमेंट में जब कोई ऑपरेटर पहले लगा होता है तो सबसे पहले वैल्यू, इसमें देखिएगा दो चीजें, वैल्यू इंक्रीमेंट फर्स्ट एंड देन प्रिंट। पहले एंड देन यूज, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और फिर यूज करी जाती है। और इसमें क्या होता है, फर्स्टली वैल्यू यूज्ड एंड देन इंक्रीमेंट। ये दो टेक्निक है, दोनों को मैंने बता दिया। सबसे पहले इसमें क्या होता है, वैल्यू इंक्रीमेंट फर्स्ट देन यूज। पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी फिर यूज करी जाएगी। बट द ए प्लस प्लस में क्या होगा, फर्स्टली वैल्यू यूज्ड एंड देन इंक्रीमेंट। चलते हैं क्वेश्चन पे, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू लिखी 5 और मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए। तो क्या प्रिंट कर देगा ए? अगर मैंने इस टाइप स्टेटमेंट लिखा तो ए को हम प्रिंट करा रहे, तो ये देखिएगा ये क्या रिजल्ट दे देगा। ये मैंने कमेंट का निशान लगाया है, कमेंट आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तो ये क्या रिजल्ट दे देगा, ए इज इक्वल टू 5। फॉर एग्जांपल मैं एक और लेता हूं प्रिंट एफ, मैंने लिखा परसेंटाइल डी और प्लस प्लस ए लिख दिया। अब क्या आंसर आ जाएगा? देखिएगा, प्लस प्लस ए लिखने में पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो ए की वैल्यू 5 थी और ए की वैल्यू, मैं यहां एक बॉक्स बना ले रहा हूं, ए की वैल्यू 5 थी, अब पहले इंक्रीमेंट कर दो ए की वैल्यू में। ए की वैल्यू 5 से क्या हो गई, इंक्रीमेंट 6 एंड देन यूज, यानी कि अब आपको देन प्रिंट करानी है। तो अब आपको ये ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर आप देखिएगा पहले ही इंक्रीमेंट हो गई, 5 से 6 हो गई और फिर प्रिंट हो रही है ए की वैल्यू। चलिए एक और मेथड देखते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, मैंने लिखा ए प्लस प्लस। अब क्या होगा, ए प्लस प्लस में मैंने क्या बताया, फर्स्टली वैल्यू यूज्ड एंड देन इंक्रीमेंटेड। तो पहले हमने वैल्यू को क्या कर दिया, यूज करा। ए की वैल्यू क्या थी, 6 थी, तो हमने क्या यूज कर लिया, देखिएगा प्रिंट में यूज हो गई वो वैल्यू 6। लेकिन ए की वैल्यू हो गई ए इज प्लस प्लस दैट्स द 7, यानी ए की वैल्यू अब क्या हो गई, 7 हो गई। लेकिन यहां पे देखिएगा, सबसे पहले ए की वैल्यू, फर्स्टली वैल्यू यूज कर ली गई, 6 को एज इट प्रिंट करा दिया। लेकिन इंक्रीमेंट क्या हुई, इंक्रीमेंट भी चाहिए था, तो ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ यहां नहीं। अगर आप दोबारा प्रिंट एफ लिखते हैं परसेंटाइल डी और ए लिख दें खाली, तो अब क्या ए की वैल्यू मिलेगी, 7 मिलेगी, दैट्स द 7। तो ये कुछ आई थिंक आपको क्लियर लगा होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत ही अच्छा ऑपरेटर है, आप यूज करिएगा। बहुत सारे एक्सप्रेशन इसके सॉल्व करेंगे हम आगे चल के। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट।
चलते हैं प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट पे, कैसे काम करता है। सेम प्रोसेस रहेगा प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट का। मान लीजिए ए की वैल्यू 7 लिखा ही हुआ है, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे लिखते हैं इसे, इसको अगर आपको लिखना पड़े तो प्री डिक्रीमेंट माइनस माइनस ए और ए माइनस माइनस इज द वेरिएबल नेम और जस्ट एनीथिंग। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट वैल्यू बाय 1 एंड देन एंड डिक्रीमेंट वैल्यू बाय 1 एंड देन यूज, ये पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर यूज करेगा। और ये क्या करेगा, फर्स्टली यूज्ड देन डिक्रीमेंट, पहले यूज करेगा फिर डिक्रीमेंट करेगा। चलिए देखते हैं ए की वैल्यू साइन ए इज इक्वल टू 7 डिफाइन है, मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और ए, सबसे पहले ए ही लिख रहा हूं मैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी मैंने लिखा माइनस माइनस ए, या इस बार लिखते हैं ए माइनस माइनस, फिर प्रिंट एफ मैं सारे एक्सप्रेशन लिख दूंगा, आई थिंक आप निकाल लेंगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे, ए माइनस माइनस फिर से लिख दिया प्रिंट एफ, अब लिखा है परसेंटाइल डी ए प्लस प्लस। अब आंसर आप देखिएगा क्या आएगा, इसका एक्सप्रेशन सभी को बताना, देखिएगा ए, ए की वैल्यू क्या है 7, तो 7 प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस का मतलब देखिए यहां आ जाइए, फर्स्टली वैल्यू यूज है, फर्स्टली वैल्यू यूज 7 क्या कर लिया गया, यूज कर लिया जाएगा, यहां पे क्या हो गया 7 एंड देन माइनस माइनस, फिर माइनस करा तो 7 की जगह अब ए की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, सही है ना। लेकिन इसने यूज कर लिए, इस स्टेटमेंट ने यूज कर ली इसकी वैल्यू, अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट को जो वैल्यू ए की क्या मिली 6 वैल्यू और ए माइनस माइनस, तो पहले तो ये यूज करेगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 1 कम 5 हो गई, अगेन प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए, ये माइनस माइनस ए है। अब इसने क्या करा, पहले ही निगेटिव कर दिया, तो ए की वैल्यू को देखिएगा, जब माइनस माइनस ए आ रहा है तो क्या करना है, डिक्रीमेंट वैल्यू करनी है सबसे पहले, तो 5 में से 1 गई 4 एंड देन यूज, इसी को यूज करनी है, डिक्रीमेंट भी करी और यूज भी कर ली, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई यहां पे 5 में से 1 क्या देयर द 4। आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे, और दैट्स द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छा ऑपरेटर है, इसके बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, मैं बहुत सारी सीरीज लेके आऊंगा इससे रिलेटेड। थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू।